जयपुर से बड़ी खबर है। चाकू दिखा युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया है। बांकरोटा थाना इलाके की घटना। पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हुआ है। दो युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई। बुलेरो गाड़ी में चाकू दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। एसीपी बगरू आमिर हसन मामले की जांच में जुटे। यह चौंकाने वाला क्योंकि चाकू दिखाकर युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। सामूहिक दुष्कर्म बागरोटा थाना इलाके की घटना है। पीड़िता ने शिकायत भी दर्ज करवाई है थाने में और दो युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत, यानी कि युवकों की पहचान हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी और इन युवकों को हिरासत में लेकर इनसे भी पूछताछ की जाएगी। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, बेहद शर्मनाक है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। बताइएगा कब की ये पूरी घटना रही और क्या व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है? शिखा, देखिए कल की घटना है और क्योंकि पीड़िता कल अपने होशवास में नहीं थी, ऐसे में अब उसने थाने पहुंचकर दो युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। उसने शिकायत दी कि मेरा पहले अपहरण किया गया बोलेरो गाड़ी के अंदर और उसके बाद में बिंदायका इलाके में सुनसान स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर चाकू के नोक पर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। अभी थोड़ी देर पश्चात जो पीड़िता है उसका मेडिकल करवाया जाएगा और 64 के बयान होने बाकी है। ऐसे में अब पुलिस दोनों युवकों की तलाश कर रही है क्योंकि जो नाम पीड़िता ने बताए हैं वो दोनों युवक अपने अपने निवास स्थान से फरार चल रहे हैं। ऐसे में एसीपी बगरू अमीर हसन को इसकी जांच दी गई है। फिलहाल पीड़िता के लिए पूछताछ की जा रही है, साथ साथ उसका बयान लिख के उसके बाद में मेडिकल करवाया जाएगा और युवकों की तलाश की जाएगी और पुष्टि होने पर दोनों युवकों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सत्यनारायण, क्या ये दोनों युवक परिचित थे, युवती को पहचानते थे या फिर कोई अनजान अजनबी, और अपहरण की भी बात सामने आ रही है क्या? सत्यनारायण, शिखा देखिए दोनों युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। ऐसे में दोनों युवक के जो पीड़िता है उसके जानकार हैं और जिस प्रकार से अपहरण की तो धारा पुलिस ने अलग नहीं लगाई, लेकिन पीड़िता ने अपने बयानों में साफ कहा है कि मेरा पहले अपहरण किया, घर के पास से मुझे उठाया गया, उठाने के बाद में इसको पिंजाया गया, इलाके में सुनसान स्थान पर ले जाया गया। ऐसे में जो उसके निवास स्थान से घटना स्थल तक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फोटो ली जाएगी जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि हाँ गलती उसी की है। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।